क्या जी ये बैठे रहोगे? यहीं से रखवाली होगी हर जगह की हैं? ठीक है चलो गुड। आजकल के कुत्ते भी जो है ना बिल्कुल निडर हो गए हैं, डर ही नहीं लगता है यार बिल्कुल कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ेगा। समझ गया ना, एक्चुअली में रहते रहते डेली आदत हो जाता है कि भाई ये लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये लोग नहीं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस लाइव ब्लॉग। तो गाइस सितंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, आज 4 सितंबर है और बारिश उतना ही भयंकर हो रहा है। पहले के समय में गाइस जुलाई अगस्त में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, बट इस बार जुलाई में बहुत कम बारिश हुई, अगस्त में ठीक ठाक बारिश हो गई और अभी सितंबर महीने में बारिश हो रही है भाई, अच्छा खासा। तो बेहतर है, देखते हैं अभी कब तक बारिश का मौसम चल रहा है। संडे है, कहीं जाना नहीं था, कुछ नहीं, आज का दिन पूरा रेस्ट। तो अभी तक हम घर पे थे, बट वो कहते हैं ना कि काम है बुलाती है, तो बिल्कुल जाने का, ऐसा नहीं कि जाने का नहीं, काम बुलाती है तो जाने का, बट बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो गाइस अभी दोपहर के 2 बजे हैं और इतनी तेज धूप है ना बाहर। कल तो शाम को इतनी अच्छा मौसम हुआ था, मतलब बारिश हुई थी, इतना अच्छा इन्वायरमेंट था, लगा कि यार अब मौसम सुधर गया, लेकिन आज सुबह सुबह इतनी तेज धूप, इतनी कड़ाके की धूप, बाहर निकलने का मन नहीं, और वाइट हो गया एकदम, बाहर आँखों को चुभ रहा है। तो अभी चूँकि 2 बज गया है तो अभी हम लोग खाना खाते हैं। अभी अभी ने क्या बनाया है, वाह यार क्या बना, क्या बनाइए आज दिन में क्या बना डाली यार, दिखाते हैं गाइस। ओहो मटन, बहुत सही। तो अभी हम लोग खाएंगे मटन, ये है मेरा हड्डी वाला पीस, शानदार। और एक ये जो ट्यूबल कटवाए थे, तुम सीने का पीस, और एक और बढ़िया, हाँ? तो फाइनली गाइस जब हम लोग खाते हैं अपना मटन, शानदार मटन की रोटी, ये ग्रेवी बहुत शानदार, एकदम बिल्कुल देसी स्टाइल से, तो प्याज बनाए, वाह अल्टीमेट। ये जो देखो देख रही हो ना, ये बीच में काटा है डबल, मैंने बोला था तो कहा कि पूरा काट दे, हमको नहीं आधा काट के छोड़ दो, जो इधर उधर फैल जाता है ना, छोटा हो जाता है, मस्त। तो गाइस अभी हम लोग खाना खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। पाँच बज गए और मैं लगा हूँ एडिटिंग पे पिछला वीडियो, तो आज का वीडियो हो सकता है 6 बजे के बाद मिले, यानी कि 7 बजे, थोड़ा सा लेट हो गया। संडे है, रिलैक्स का बंद तो बनता है। पढ़ाई भी देखिए क्या कर रही है, क्या कर रही हो जी? अरे गजा, अपने अपने तो अपने होते हैं, तो मूवी देख रही है, वेरी गुड। इसी को कहते हैं संडे फुल चिलिंग, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा फटाफट अपना काम कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं आपसे। गाइस क्या होता है ना, कभी कभी हम कैमरा चेंज करते हैं तो उसमें फुटेज अलग अलग जगह पे होते हैं, तो उसको एडिट करते समय ना हर जगह से आपको डाटा लेना होता है, तो मैं डाटा लेने के लिए सेरिट का प्रयोग करता हूँ। देखिए अभी हमारा इस फ़ोन के सारे डाटा जो है इसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं। स्पीड देखिए 395 400 SMB करके आ रहा है, स्पीड आ रही 8 MBPS पर सेकेंड के रफ्तार से। तो इस तरीके से डाटा मेरा ट्रांसफ़र होता है।
और हार्डली आधा घंटे लगते हैं। आधा घंटे इसलिए तो उसको रिफाइन करने के लिए, वरना समय तो मुश्किल है, हम लोग 10 से 15 मिनट लगता है एडिट करने में, सारे जोड़ने हैं, ऐड करने हैं, थोड़ा म्यूजिक डालना है। तो आज एडिटिंग हो गई कंप्लीट, डाउनलोड भी हो गया, लोग ब्लॉग देख भी रहे हैं, 2-3 व्यू भी आ चुका है, और अभी टाइम हो गया है चाय का और ये स्नैक्स। ये कल से थोड़ा सा डिफरेंस है, कल की तरह बाकी सब बॉयल्ड, इसमें एक चीज़ मिलाया गया है। हम लोग उज्जैन गए थे तो उज्जैन से एक बढ़िया चीज़ लाए हैं, सेवड़े वाला नमकीन, अच्छा है नहीं? क्या क्या डाली हो बताओ? इसमें धनिया पत्ता, प्याज, मिर्चा, मूंगफली और ये गुजिया। गाइस लगभग 11:30 बज चुके हैं, अभी हम लोग खाना वाना खा चुके हैं, अभी हम लोग चलने टहलने, आप लगे रहिए वीडियो में, अभी आपको हम एक नई चीज़ दिखाते हैं। हम लोग वॉक करते हैं ना, उसका एकदम बिल्कुल लुक बदल गया है, बिल्कुल चीज़ें बदल गई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक नई चीज़ दिखाऊंगा आपको। गाइस देखिए आज कितना अंधेरा है, कुछ दिख विक नहीं रहा, उधर बस थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। जानते हैं इतना अंधेरा क्यों है, इसका एक रीज़न है, वो रीज़न इसलिए कि इधर की सारी लाइटें काट करके एक पार्टिकुलर जगह दिया गया है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हाँ अभी देखो, करीब समझो कि 200 मीटर के दायरे में वो फैला हुआ है। वो गाइस मैं अभी जस्ट वहाँ चलता हूँ, वो उधर सामने दिख रहा है, मैं अभी चल रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, लगे रहिए। अभी हम लोग गाइस इस रास्ते से आए हैं इधर से, और इधर जाएंगे इधर, और यहाँ से चक्कर लगाते हुए उधर से उधर से आएंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ दिखाएंगे हम आपको। अभी इधर से पहले चलते हैं वॉल अराउंड पूरा, इस बाउंड्री किनारे किनारे चलेंगे और उधर से वापस आएंगे उधर की तरफ। झिंगूर और मेढक की आवाज़ है, बारिश हुआ है ना, सब पानी में झिंगूर और मेढक आ गए। गाय जितना सन्नाटा है ना, और इतने झिंगूर और मेढक की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल डरावना सा लग रहा है, कुड़ुम 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 कर। लेकिन दूर दूर तक एकदम शांति है, दोनों तरफ पेड़ और सामने एकदम सड़क, कितना अच्छा दिख रहा है ना, रात में लाइट और ये पेड़ और ये सब चीज़ें, कितना खूबसूरत लग रहा है। गाइस वो जो जगह मैं आपको दिखाने वाला था, वो चीज़ जिसके बारे में बात कर रहा था, कुत्ता रो रहा है, रात में ही कुत्ते भी रोते हैं। तो अभी वो देखिए, वो सामने है मेरे बिल्कुल, और इतनी तेज उसी की रोशनी है, उसी की रोशनी में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये वाला लेन हमेशा अंधेरे में रहता था, और उधर की जो लाइट ऑफ है उसके बावजूद भी उधर उजाला जा रहा है सिर्फ इसी की वजह से। और ये चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, वो चीज़ है ये टाटा, देख रहे हैं कितना ज़्यादा बड़ा, कितना तेज रोशनी कर रहा है ये पूरे 200 मीटर के दायरे में इसकी रोशनी। ये देखिए गाइस, ये अकेले अकेले इतने सारे लाइट लगे हैं इसमें, कम से कम 8 लाइट हैं, और ये चारों तरफ है, अकेले जो है पूरा कवर कर रहा है। ये देखिए, ये सामने जो भी वहाँ तक दिख रहा है सब उजाला हो गया इसके चक्कर में, इधर भी सब पूरा अंधेरा, हाँ पूरा 200 मीटर के दायरे में उजाला हो गया, इतना उजाला है। देखो देखो हम लोग भी कितने साफ इसके नीचे हैं, इतने अस्पष्ट सब कुछ दिख रहा नहीं, कितना बड़ा वाला है। ये देखिए मेरे ऊपर ये, और एकदम क्लियर क्रिस्प वो है, मतलब एक होता है ना आँखों में चुभता है, वो चुभने वाला नहीं, बहुत ही स्मूथ है। ओ अमावस की रात चमकती हुई चांद, वो चांद की दिखा रही, तो सब दिखा रही क्या है क्या गाइस। ये ना इसका मजाक चलता रहता है ऐसे ही, मतलब रात में अंधेरा है, हालत खराब हो रही है, मजाक सूझ रहा है, बट कोई बात नहीं। होप सो गाइस आज संडे फुल रेस्ट था, तो आज फिर भी आज संडे में कुछ मस्ती हुई होगी, थोड़ा बहुत जो भी एक लाइफ स्टाइल रहा होगा वो आपने देखा होगा, और होप सो ये अच्छा लगा होगा आपको। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं तो टहल के बाहर से, और अभी करीब 12:45 लगभग 12 हो गया, तो 12 बज चुके हैं, और अब टाइम है हम लोग के सोने का, थोड़ा सा एडिटिंग करते हैं उसके बाद से सोते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए तरीके से, नए अंदाज में, तब तक के लिए गुड नाइट स्वीट ड्रीम। अरे हाँ, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, फ्री है, और लाइक शेयर अच्छा लगा होगा तो। Sorry, it's DJ.